रो क्यों रही है बाबा? यार वो फजर की माँ आई थी आज, तुम्हारी अम्मी की फ्रेंड्स भी आई हुई थी उस वक्त घर पे, काफ़ी बेइज्जत करके गई। सिर्फ बेइज्जत? कभी जिंदगी में किसी ने मुझसे इस तरह से बात नहीं की। हेलो, मुझे तो डर लग रहा था उस औरत से कि पता नहीं किस वक्त वो मुझ पर अपना हाथ उठा दे। माए तो बेटे पैदा होने के लिए दुआएं करती है, लेकिन मैं तो तुम्हारी माँ होने के सजा भुगत रही हूँ। अजीब सी बात है अम्मी, फजर क्यों ऐसा करना चाहेंगी? और वो तो एक्चुअली घबराई हुई थी, परेशान थी कि उनकी अम्मी घर क्यों आई हैं। हाँ, यही तो तरीका है उनका। तुम्हारे सामने तो जुबान खुलती नहीं है ना, बस थोड़ी सी देर में तुम्हारी माँ की बेइज्जती करके चली जाती है, ताकि जब मैं तुमसे अपनी तकलीफ बयान करूं तो तुम उन पर यकीन करो बजाय मेरे। नहीं अम्मी, ऐसा नहीं है। साहिब बेटा, तुम मेरी एक बात मानो। तुम ये घर छोड़कर चले जाओ, फजर को लो और कहीं रेंट पर घर ले लो। बल्कि बल्कि हम छोड़ देते हैं ना ये घर, तुम्हारे बाबा बीबी मीरा और मिमी का बोझ उठा सकते हैं। अम्मी देखिए, जो कुछ भी आंटी ने किया वो बहुत गलत है, और मैं फजर से कहूंगा और आंटी से कहूंगा कि वो आपसे माफी मांगे, नहीं, प्लीज। मुझे किसी की माफी की जरूरत नहीं है, मुझे किसी की माफी नहीं चाहिए। पहले ही मैं फजर को बहू बनाकर बहुत नेकनामी कमा चुकी हूँ, बस तुम हमें माफ कर दो बेटा। मुझे यकीन है कि वो माँ बेटी दोबारा कोई ना कोई ड्रामा तुम्हारे सामने जरूर करेंगी। हम इस उम्र में और बेइज्जत नहीं हो सकते। मैं सुबह ही पैकिंग कर लूंगी और बस हम चले जाएंगे यहाँ से। तुम उसे यहाँ ले आओ। प्लीज, मैंने कहा ना मैं उनसे बात करूंगा, आप रिलैक्स करें, कुछ नहीं होता। इसे कह दे इजाज़, चला जाए यहाँ से। मुझे कोई बात नहीं करनी इससे, ना मुझे इसके साथ रहना, मेरा सर फट जाएगा। मैं करता हूँ बात, अभी आप अपने कमरे में जाओ, सुबह बात करते हैं। ये लो, ऐसे थोड़ी ठीक होगा सर, मैं हूँ।